सो हेलो एवरीवन, हर बार की तरह मैं फिर से एक बार आपके पास आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि थंबनेल कैसे बना, यूट्यूब पर जितनी अच्छी थंबनेल होगी, जितनी अच्छा आपके वीडियो में थंबनेल होगा, उतने ज़्यादा व्यूज आएंगे, उतने ज़्यादा लाइक्स, उतने ज़्यादा सब्सक्राइब। तो आज मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूँ कि भाई थंबनेल अच्छा नहीं बनता है आपसे, और थंबनेल बनाना कैसे बनाया जाता है और आप कैसे बनाएंगे वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। थंबनेल में फंड्स कैसे लगाओगे, कौन सा लगाओगे, थंबनेल में क्या क्या ऐड करोगे, और वो आप एकदम यूट्यूबर्स की तरह एकदम अच्छा से अच्छा थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। सबसे मेन होता है आपकी वीडियो में थंबनेल। जैसा कि अगर आपकी वीडियो में अच्छा थंबनेल है तब आपकी वीडियो कोई सर्च करता है, उसे थंबनेल पसंद आता है, थंबनेल में आपने क्या ऐड किया है, क्या लिखा है, फिर वो आपकी वीडियो को टैप करता है। अगर आपके थंबनेल में एक अच्छा सा प्रोफेशनल सा नहीं है तो आपकी वीडियो में इंप्रेशन बिल्कुल डाउन रहेंगे, कोई उसे क्लिक नहीं करेगा, आपकी वीडियो नहीं देखेगा। तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से विदाउट लैपटॉप पीसी कुछ भी नहीं, फ़ोन से सिखाऊंगा, एक एप्लीकेशन से सिखाऊंगा आपको थंबनेल बनाना कि कैसे बनाया जाता है बहुत ही बेहतरीन सा। तो बने रहे हमारी वीडियो में, हम चलते हैं, बस जल्दी से, टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे और एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे उससे आपको अपने वीडियो में थंबनेल लगाने। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले अगर कोई नया यूट्यूबर है और उसको अपने वीडियो में थंबनेल लगाना है, और उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल लैब। आप ये देख सकते हैं मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है, और अगर आप में फ़ोन में नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर सिंपल से जाएंगे और उसके बाद सर्च कर देंगे पिक्सल लैब, इधर आ जाएगा। आप लोग इसको इधर और नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, हाँ तो ये आ गया, आप लोग देख सकते हैं, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं सीधा सीधा अपनी वीडियो पे। तो सिंपल सा पिक्सल ऐप को आपको ओपन कर लेना है, ये बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत ही आसानी तरीके से आप बहुत ही प्रोफेशनल सा थंबनेल बना सकते हो। तो अभी कुछ टूल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि अगर आप लोग जब तक पूरी वीडियो अच्छे से मैं नहीं समझाऊंगा आपको तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप जा करके अच्छा थंबनेल बना पाओगे और यूट्यूब पर आगे चल के ग्रो कर पाओगे। सबसे पहले कुछ टूल्स होते हैं, जैसा कि आपको एक बैकग्राउंड इमेज को इसमें एंटर करना पड़ेगा, तो वो कहाँ से करना है, तो सिंपल सा आपको मैं एरो बनाते चलता हूँ, आप देख सकते हैं इधर यहाँ पे आ जाने हैं। उसके बाद इधर ऑप्शन मिलेगा कलर का, ये कलर पे टैप कर दिए। अब बैकग्राउंड का आपको जो भी कलर चाहिए इधर से आप ले सकते हैं, बहुत सारे आपके हिसाब से मिल जाएंगे, तो हम एक ये कलर ले लिए, डन कर दिए। उसके बाद अब हमें इसकी साइज़ मिलाना है, इसका जो साइज़ होगा वो यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ इसमें लगाना पड़ेगा। तो वो करने के लिए हम लोगों को सिंपल सा जाना है, इधर थ्री डॉट पे टैप कर देंगे, आ गए। अभी आप लोगों को इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे, इधर लिखा हुआ इमेज साइज़, इमेज साइज़ पे टैप कर देंगे, फिर इधर जाएंगे यहाँ पे, इस पे टैप करेंगे, इधर ऑप्शन मिलेगा आपको यूट्यूब चैनल बैनर, YouTube थंबनेल। तो सिंपल सा हम लोगों को टैप कर देना है YouTube थंबनेल पर, टैप कर दिए, ओके कर दिया। अब ये डिलीट कर देते हैं इधर से, अब ये हमारा YouTube थंबनेल के साइज़ में आ गया। अब हमें इसको बनाना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे वो आज मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए, देखते रहिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ऐड करेंगे, इधर प्लस पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जाएंगे, इधर टैप कर देंगे, इधर मिलता है टेक्स्ट, डेट, स्टिकर, शेप्स फ्रॉम गैलरी, आपको जो इमेज ऐड करना होगा। तो हम सबसे पहले जाते हैं टेक्स्ट में, टैप किया, अब हमें बनाना है जैसे कि एग्जांपल यूट्यूब पर कैसे ग्रो हो, तो सिंपल इधर लिख देते हैं यूट्यूब पर कैसे ग्रो हो, इसको फुल कर लेना है आपको, कैपिटल में कर लेना है, इधर से आप कर सकते हैं, ओके कर दिए।
उसके बाद आपको इसको खूब ज़्यादा एट्रेक्टिव दिखाने के लिए इसमें एडिटिंग करेंगे। तो हम लोग सिंपल सा इधर आ जाते हैं, इधर ए बना हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गए, इधर लिखा है स्टाइलिश देख सकते हैं, इधर टैप करेंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ इधर ब्राउज़र, ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको 2, 4, 8, 10 टाइप्स के स्टाइलिश फंक्स मिल जाएंगे कलर एडिट हुए। तो हम लोग एक कोई सा भी ले लेते हैं, ये ले लिया जैसे, अब भी इसको हम लोग करेंगे फुल साइज़ में कर दिया। अब इसको और अच्छा करने के लिए हम लोग इधर से आप साइड आ सकते हैं, साइड आने के बाद अगर फंड्स आपको नहीं पसंद तो आप इधर बहुत सारे फंड्स ले सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपकी वीडियो में चाहिए, इधर बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड जितना ले लें उतना मिल जाएगा। तो हम लोग कोई अच्छा सा प्यारा सा ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लिया, कुछ कम अच्छा लग रहा है। और दूसरा ट्राई करते हैं, जैसे कि ये वाला ले लेते हैं, ये कुछ बेहतर है, थोड़ा सा साइज़ कम करेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा और एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब जाएंगे और साइड करते हुए, इधर लिखा हुआ है बी स्टाइल, यहाँ पे आप लोग जाएंगे, उसके बाद आप इसको और बोल्ड कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, ये हो गया। और आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तिरछा भी कर सकते हैं, तो हम लोग ये कर दिए, अगर आपको ज़रूरत हो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। फिर हम लोग और साइड में आने के बाद इधर आएंगे शेडो में, आप जोन सा भी शेडो चाहिए आपको, ब्लैक रेड या जैसा भी आप ले सकते हैं, मैं रेड कर दिया, ये अच्छा लग रहा है। फिर आएंगे स्ट्रोक में, स्ट्रोक का साइज़ आपको जैसा भी पसंद हो वैसा कर सकते हैं, जैसा कि ये स्ट्रोक आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 पे ही रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ये हो गया। अब इसमें हम लोग बैकग्राउंड पे जाएंगे, इधर ही मिल जाएगा आपको, बैकग्राउंड के ऑप्शन पे जाएंगे, अब इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल में बैकग्राउंड को आपको जैसा कि वाइट रखना हो वाइट रख सकते हो, ब्लैक रखना हो ब्लैक रख सकते हो, या रेड रखना हो रेड रख सकते हो। तो अभी सिंपल से हम लोग ब्लैक रख दिया और टिक कर दिया, ये कुछ पहले से बहुत ही बेहतरीन सा लग रहा है। थोड़ा सा साइज़ कम करते हैं, और इसमें एक चीज़ और है, आप बैकग्राउंड में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आके लेफ़्ट वाला लेफ़्ट पैडिंग फुल कर देंगे, राइट का थोड़ा सा बढ़ाएंगे और फिर नीचे आएंगे रेडियस में थोड़ा सा इसको ऐसा कर देंगे, तो ये कुछ और बेहतरीन सा लगने लगेगा। अब हम लोग कुछ इसमें और ऐड करते हैं, सिंपल सा वैसे ही जाएंगे प्लस पे, टेक्स्ट पे, टेक्स्ट ही आ गया। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड क्या लिख दें, यूट्यूब पर कब वीडियो अपलोड करें, तो हम लोग टाइप करते हैं यूट्यूब पर वीडियो कब अपलोड करें, इसको भी हम लोग ले लेंगे कैपिटल में, और फिर इसको इसके इसको भी बहुत ही बढ़िया से सजाएंगे, वैसे ही सेम करना है आपको। तो भाई लोग जैसा कि आप लोगों ने देखा ना कि हमने वैसे ही इसको भी सेम एडिट कर दिया। अब इसमें कुछ हम लोग स्टिकर ऐड करते हैं, तो स्टिकर ऐड करने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा, फिर इधर आने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं इसमें है इम्पोर्ट, तो आप इम्पोर्ट में चले जाएँगे। इम्पोर्ट में जाने के बाद आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे, तो जैसे कि हम लोग ये स्टिकर लगा देते हैं, आ गया। अब इसको साइज़ छोटा करेंगे और इसको इधर साइज़ के हिसाब से अपने हिसाब से लगा देते हैं, ये कुछ और पहले से ही बेहतरीन सा लग रहा है। इसमें इधर साइड में जगह छूटा हुआ है, तो हम लोग सिंपल सा वैसा ही फिर से कुछ इसमें और लिख देते हैं अपने माइंड के हिसाब से, आपके वीडियो के टॉपिक के हिसाब से। तो इसमें लिख देते हैं वीडियो तो हम लोग इसको इतना और लिख देते हैं, इसको भी सेम वैसा ही एडिट कर लेते हैं हम लोग, हो गया। बैकग्राउंड पे भी चले जाएंगे, आप लोग फंड्स आप लोग अगर वो लगाना चाहें, इसके फंड्स चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बहुत सारे हैं इसमें ऑप्शन,
थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, तो हम लोग फिर से वैसे ही बैकग्राउंड पे जाएंगे और हल्का सा इसको फुल कर देंगे, फिर मैं ये बताऊंगा। अब ये तो फेस पे आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद इधर लिखा हुआ है टू बैक, एरो भी मैं करके दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है टू बैक। इस पर टैप करते ही ये चीज़ पीछे चला जाएगा, तो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा। वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आते। अब इसमें एक चीज़ और आप लोग ऐड कर सकते हैं, जैसा कि न्यू वीडियो 2022, ऐसा करके आप सेम शॉर्टकट में, जैसा मैं बताऊँ, अगर आपको जल्दी बनाना हो तो बस स्टाइल पे जाएंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, इस पर टैप कर देंगे, ये हो गया। अगर इसमें से आप कलर चेंज कर दें, येलो वगैरह, ब्लू, रेड, ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, येलो कर सकते हैं। येलो थोड़ा ज़्यादा डार्क लगता है, थोड़ा एट्रेक्टिव सा लगता है। तो इसको ऐसे करके सेम से जा करके बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड इनेबल कर दें और वाइट रख दें, थोड़ा सा बढ़िया लगने लगेगा, ये कुछ अच्छा सा लग रहा है। और वैसा ही सेम बैकग्राउंड पे जा करके लेफ्ट राइट हल्का सा करके फिर थोड़ा सा रेडियस को कम कर बढ़ा देना है बस। तो ये 2000 न्यू वीडियो 2022, ये कितना बेहतरीन सा हमारा लगने लगा। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर इसमें और टाइम देना चाहें तो और टाइम दे देंगे और इसको बहुत ही बेहतरीन सा कर सकते हैं। इसमें इधर साइड में आएंगे आप, इसको इसका बैकग्राउंड का सिचुएशन वगैरह थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें से कलर भी चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का, जैसा आपको पसंद आता है वैसा कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसमें बहुत सारी चीज़ हैं, आप यहाँ से आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, ओके। और इधर से आप लोग स्टिकर्स भी कुछ फ़ोन की तरफ से हैं, ऐप की तरफ से, वो ऐड कर सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ जैसे। नहीं तो आपको सिंपल सा इधर जाना है थ्री डॉट पे जाने के बाद आप यूज़ फ्रॉम गैलरी में जा करके आपको बहुत सारा मिल जाएगा। और उसके बाद अब आपको इसको सेव कैसे करना है, तो हम लोग इधर, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर चले जाना है और उसके बाद आपको सेव टू गैलरी कर देना है, आपका इमेज सेफ हो गया। अब आप इसको अपनी वीडियो पर आराम से लगा सकते हैं। तो ये रही वीडियो, और भी आप जब इसमें जाएंगे ऐप के अंदर तो आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, तो आप अपने वो थंबनेल पर ट्राई कीजिएगा और इसमें कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, स्टिकर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। एक सेटिंग और है, जैसे कि आप इसमें स्ट्रोक को ऑन कर दें, ये हम लोग इधर मिल जाएगा, ये स्ट्रोक इनेबल कर दिया, ऐसा वाइट कर देते हैं, अब वाइट कर देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रोक साइज बढ़ा देते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, इसमें और ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो अगर आप अपना स्टिकर लगाना चाहें तो आपने स्टिकर से भी इसे कट करने के बाद आप लगा सकते हैं, स्ट्रोक ऑन कर देंगे तो जो साइड का वो होगा वो छूट जाएगा, हट जाएगा, और फिर ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो कुछ थंबनेल बहुत ही बेहतरीन सा लग रहा है इस टाइम पर, आप इसको और अच्छा सा और अट्रैक्टिव सा बना सकते हो। सारे तरीके इसमें है, मैंने बता दिए हैं, कुछ जैसे ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई दे देंगे आप लोगों को। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।